प्रभु श्री हरि, प्रभु श्री हरि, प्रभु श्री हरि, प्रभु श्री हरि। मत कहो उसे प्रभु, वो प्रभु नहीं है, मैं हूँ प्रभु, तीनों लोकों का स्वामी, त्रिलोकपति हिरण्यकशिपु, त्रिलोकपति हिरण्यकशिपु, त्रिलोकपति हिरण्यकशिपु, त्रिलोकपति हिरण्यकशिपु। यदि पुनः उसका नाम अपने जीवा पर लाए तो परिणाम बहुत भयंकर होगा तुम्हारे लिए। ऐसा मत कहिए पिताश्री, उनका नाम लेना कैसे छोड़ सकता हूँ। क्षमा स्वामी क्षमा, प्रहलाद अभी अबोध है, उसे ज्ञात नहीं कि वो क्या कह रहा है। माँ, मुझे ज्ञात है कि मैं क्या कह रहा हूँ, सबके श्वासों में बसते हैं श्री हरि नारायण विष्णु, मेरी भी श्वासें उन्हीं से चलती हैं, वो सब कुछ है मेरे लिए। प्रहलाद, हट जाइए आप। नहीं स्वामी, नहीं नहीं, वो आपका पुत्र है, बालक है, और एक बालक की बातों पर इतना क्रोध, मैं समझाऊंगी इसे। समझाइए इसे, समझाइए इसे महारानी। जिस छलिया विष्णु के ये गुणगान गा रहा है, उसने मेरे भ्राता इसके काका का वध किया है, परम शत्रु है वो मेरा। पिताश्री, मनुष्य का परम शत्रु कोई अन्य नहीं, उसी के भीतर छुपा हुआ अहंकार, मद, लोभ, मोह और मत्सर है। प्रभु श्री हरि तो मात्र पाप कर्म और पापी मनुष्य के विरोधी हैं। तो तुम्हारे अनुसार तुम्हारे काका मेरे भ्राता हिरण्याक्ष पापी थे। मैं ये नहीं जानता पिताश्री, किंतु इतना अवश्य मुझे ज्ञात है, यदि उन्हें श्री हरि नारायण के हाथों मृत्यु प्राप्त हुई तो उनसे बड़ा सौभाग्य हम में से किसी और का नहीं हो सकता, वो मोक्ष के अधिकारी हो गए होंगे। तू ऐसे नहीं मानेगा। सेनापति, डाल दो इसे काल कोठरी में अभी। प्रातः तक भूखा प्यासा रहेगा तो भूल जाएगा सारी हरि भक्ति। महाराज, क्या राजकुमार, डाल दो इसे काल कोठरी में, डाल दो इसे काल कोठरी में अभी। राजकुमार, स्वामी पुत्र प्रहलाद को ऐसा कठोर दंड मत दीजिए। ले जाओ इसे स्वामी। मैंने कहा ले जाओ इसे। स्वामी वो पुत्र है हमारा, अबोध है, उसे क्षमा कर दीजिए स्वामी। उसकी ओर से मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। पुत्र, एक पिता अपने पुत्र के प्रति कितना निष्ठुर हो सकता है, वो भी बिना किसी उचित कारण के। पुत्र, मनुष्य के स्वयं के भीतर छुपे हुए विकार ही उनके सबसे बड़े शत्रु होते हैं, और उन्हीं विकारों के कारण हिरण्यकश्यपु की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। वो उचित अनुचित के भेद को समझ नहीं पा रहा था। सत्य है माता, क्रोध और अहंकार मनुष्य को मानवता के स्थान पर दानवता के पद पर ले जाता है माता। अहंकार वश ही एक पिता अपने पुत्र के प्रति दानव बन गया। फिर क्या हुआ माता, क्या प्रहलाद को
पूरी रात कारागार में रहना पड़ा। राजकुमार, छोड़ दीजिए मेरी हरिभक्ति, अपने सर्वशक्तिमान पिता की शरण ले लीजिए, इस पीड़ा से मुक्त हो जाएंगे आप। हरिभक्ति तो मेरे श्वासों में बसी हुई है, उसे त्यागना मेरे वश में नहीं है। अल्पायु बालक हैं आप, काल कोठरी का अंधेरा भयावह होता है, बिना प्रकाश के कैसे रह पाएंगे आप यहाँ? जिनके हृदय में हरिभक्ति की ज्योति प्रज्वलित रहती है, उन्हें किसी भी अंधकार से भय नहीं लगता। क्षमा कीजिएगा राजकुमार, अब मुझे जाना होगा। प्रणाम। पिताश्री। प्रहलाद। तीनों लोकों के स्वामी श्री हरि नारायण विष्णु ही हैं। बस! स्वामी, इस अमावस की काली रात्रि से भी अधिक अंधकार में होगी वो काल कोठरी। हमारा नन्हा सा पुत्र सारी रात्रि वहाँ कैसे रह पाएगा, वो भी भूखा प्यासा। महारानी, पिता हूं उसका, मुझे भी पीड़ा हो रही है यह सब करके, किंतु उसके हृदय से हरिभक्ति समाप्त करने के लिए दंड आवश्यक है। प्रातः तक वो सारी हरिभक्ति भूल जाएगा, फिर मैं स्वयं आपके साथ चलकर अपने पुत्र को काल कोठरी से निकाल लाऊंगा। महारानी, आप भोजन करके विश्राम कीजिए। भूखा है तो माँ कैसे भोजन कर सकती है, पुत्र काल कोठरी की कठोर धरती पर लेटे तो माँ कैसे राजभवन की शैया पर लेट सकती है। माँ का हृदय ऐसा ही होता है, मेरी माँ भी मुझे भूखा प्यासा नहीं देख सकती, वो भी मेरे लिए सदैव ऐसे ही चिंतित रहती हैं। अरे, इतने दुर्बल दिखाई दे रहे हो, प्रतीत होता है भोजन नहीं किया तुमने इतने दिनों। नहीं माँ, ये तो आपकी ममता भरी दृष्टि को लग रहा है कि मैं दुर्बल हो गया हूँ, किंतु जैसा हनुमान पहले था वैसा ही है। बस बस, चलो आज मैं तुम्हें अपने हाथों से भोजन बनाकर खिलाऊंगी, तुम पहले जाओ और स्नान कर। आज तो बड़ा ही आनंद आएगा, माँ बनाएंगी पकवान, जी भर खाएगा हनुमान। पुत्र हनुमान, माँ की ममता में ही प्रभु का पवित्र प्रेम छुपा होता है। हनुमान पुत्र हनुमान, अब तुम ये पूछो कि भक्त प्रहलाद ने क्या किया। उसने काल कोठरी के अंधकार को प्रभु श्री हरि नारायण के मंत्रों के प्रकाश से भर दिया। ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः। धन्यवाद प्रभु श्री हरि, ये आपकी ही भक्ति का प्रकाश है, आपका नाम तो संसार के बड़े से बड़े अंधकार को मिटा देता है प्रभु। बस एक विनती और है आपसे, आपकी भक्ति भले ही मेरी क्षुधा को शांत कर दे, किंतु मेरी माँ
वो मुझे भूखा जानकर स्वयं भी भूखी रहेंगी। मैं उनकी पीड़ा नहीं सहन कर सकता प्रभु, कुछ कीजिए प्रभु। ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः। पुत्र प्रहलाद। माँ आप यहाँ? माँ आप यहाँ कैसे? मैं अपने पुत्र को भूखा कैसे रहने दे सकती थी? आप मेरे लिए आई हैं माँ, किंतु माता जब दैत्यराज हिरण्यकश्यपु को प्रातःकाल ज्ञात हुआ होगा तो बहुत बड़ा अनर्थ हुआ होगा ना? पुत्र हनुमान, प्रातःकाल जब हिरण्यकश्यपु बंदी गृह पहुंचा, उसके साथ महारानी कयाधु भी थी। माँ, प्रहलाद तुम ठीक तो हो? चरण स्पर्श माता श्री। आयुष्मान भव। चरण स्पर्श पिताश्री। इस काल कोठरी के अंधकार में भय तो बड़ा लगा होगा और भूख ने तो अब तक तुम्हारे मन को परिवर्तित कर दिया होगा प्रहलाद। पिताश्री अंधकार तो था ही नहीं, प्रभु श्री हरि की भक्ति का प्रकाश था यहाँ। मुझे तनिक भी भय नहीं लगा पिताश्री, और न ही भूख ने विचलित किया। माँ ने भली भांति भोजन करा के तृप्त कर दिया था। क्षमा स्वामी, एक माँ का हृदय अपने पुत्र को भूखा नहीं देख पाया। क्षमा स्वामी, एक माँ का हृदय अपने पुत्र को भूखा नहीं देख पाया। रात्रि में जब प्रहलाद मेरे पास आया तो मैं स्वयं को रोक नहीं पाई और मैंने इसे भोजन कराया। माँ, माँ पुत्र, पुत्र प्रहलाद तुम यहाँ? माँ इस काल कोठरी की सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था को भेद कर तुम बाहर कैसे निकले? नहीं पिताश्री, मैं यहाँ से बाहर नहीं निकला। माँ स्वयं आई थी भोजन लेकर मेरे पास। ये तुम क्या कह रहे हो पुत्र? तुम तो स्वयं मेरे पास आए थे राजभवन। माँ, मुझे ज्ञात था आप मुझे भूखा जानकर स्वयं भी भोजन ग्रहण नहीं करेंगी, इसलिए मैं यहाँ आ गया आपके पास। अपनी माँ के लिए मेरे पुत्र ने काल कोठरी से बिना अनुमति लिए बाहर निकलने का संकट मोल लिया। यदि प्रातःकाल तुम्हारे पिता को तुम्हारे बाहर निकलने के बारे में ज्ञात हो गया तो फिर क्या होगा? उन्हें जब ज्ञात होगा तब का तब देखेंगे। अभी तो मेरे लिए महत्वपूर्ण ये है कि मेरा पुत्र भूखा ना सो जाए। सेनापति, क्या है ये सब? सत्य क्या है? कौन यहाँ आया और कौन यहाँ से गया? महाराज,
काल कोठरी की कुंजी पूरे समय मेरे ही पास थी। ना तो कोई यहाँ से बाहर गया ना ही भीतर आया। ये कैसे संभव है? तुम तीनों मिलकर कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहे हो? सत्य क्या है स्पष्ट बताओ। मुझसे झूठ बोलने का दुस्साहस मत करो। सत्य जानने के लिए मैं किसी भी सीमा को पार कर सकता हूँ। किसी भी सीमा को। सत्य सुनना चाहता हूं मैं, अन्यथा मुझसे द्रोह का भयंकर परिणाम भुगतोगे तुम तीनों राजद्रोही। स्वामी, मैं आपकी सहभागिन और ये आपका अंश, आपका पुत्र है, और ये आपकी सेना के स्वामी भक्त सेनापति। आपके साथ द्रोह करने की कल्पना भला हम कैसे कर सकते हैं स्वामी? हम तो पूर्ण निष्ठा से आपके प्रति समर्पित हैं। सब ज्ञात है मुझे कितनी निष्ठा है मेरे प्रति। इसीलिए कल रात्रि की घटनाओं के तुम तीनों के तीन भिन्न भिन्न विवरण है। समझाओ मुझे, एक ही व्यक्ति एक ही समय पे दो भिन्न भिन्न स्थानों पे कैसे हो सकता है? वो भी तब जब काल कोठरी की कुंजी सेनापति के संरक्षण में सुरक्षित थी। आपको इस भक्त का कोटि कोटि नमन प्रभु श्री हरि। अवश्य आपने ही आकर अपने इस भक्त की रक्षा की है पिताश्री। प्रभु श्री हरि के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। माता श्री और सेनापति जी का इसमें कोई दोष नहीं। मुझे विश्वास है कि प्रभु ही आए थे। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। स्वामी, आपका नन्हा भक्त आपसे कुछ विनती कर रहा है। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। भक्त को देखे नाही विष्णु रूप बदल कर आई। भय प्रहलादा माँ के हेतु पुत्र के लाए भय कयाधु। मात्र और पुत्र दोनों को हरि भोजन अरुणेत्रा सुलभ करी। हनुमन शत शत करत नमन। जय श्री नारायण भगवन। सौभाग्य थे भक्त प्रहलाद जी के, उन्हीं की भक्ति के वश में होकर वो दो रूप धारण कर आए।
पहले पुत्र बनकर माँ को भोजन कराया और माता बनकर पुत्र को। प्रभु कभी भी अपने भक्तों को ऐसे कष्ट में नहीं देख सकते। प्रभु तो माता भी होते हैं, पिता भी, बंधु भी तो सखा भी। अपने भक्तों के लिए वो किसी भी रूप में आकर उनके कष्टों का निवारण करते हैं। बॉस, बॉस! शांत हो जाओ। मेरी राज्यसभा में उस कपटी हरि का नाम लेने का दुस्साहस मत करो। मैं ये घृणित नाम कदापि नहीं सुन सकता। पिताश्री, जब आप मुझे प्रभु श्री हरि का नाम नहीं लेने का आदेश देते हैं, तब आप भी मेरे साथ उनका नाम स्मरण करते हैं। मैं प्रेम से उनका स्मरण करता हूँ और आप क्रोध से। परंतु भाव कोई भी हो, हम दोनों प्रभु का स्मरण कर एक साथ पुण्य के भाग बनते हैं। बंद करो अपने अनर्गल प्रलाप। मेरे स्मरण से ही पुण्य की प्राप्ति होती है। मैं हूँ प्रभु, 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 मैं हूँ प्रभु। भक्ति और भावना में यदि सच्चाई हो तो ईश्वर अवश्य सहायता करते हैं।